अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको प्रोमो देख के आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम लोग कौन सी जगह पे विजिट करने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बलूचिस्तान, जहाँ पे हम लोग कोन मलिर, प्रिंसेस ऑफ होप्स एंड गोल्डन बीच जैसी खूबसूरत मकामात को कवर करेंगे। मैं सिर्फ आपको इन जगहों की वीडियोस नहीं दिखाने वाला, इसके साथ हम कुछ चीज़ें मजीद एड ऑन करेंगे। इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप यहाँ पे अकेले आना चाहते हैं तो आप किस तरह से कम बजट के अंदर इन सारी जगहों पर घूम सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहें तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ का ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में मौजूद हूँ। हमारा ये सफ़र मिलेनियम मॉल से शुरू हुआ और अब हम अपनी मंजिल कोन मलिर की जानिब रवा दवा हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खूब अंधेरा है और जहाँ तक हेडलाइट की रोशनी जा रही है सिर्फ वहीं तक आपको दिखाई दे रहा है। इससे आगे का देखना इस वक्त मुमकिन नहीं, क्योंकि इन रास्तों पे कहीं पर भी किसी किस्म की स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। दिन की नस्बत अगर रात के सफ़र की बात की जाए तो रात का सफ़र इंतहाई पुरसकून होता है, और अगर रास्ते इस कदर नीट एंड क्लीन हो तो मज़ा दोबारा हो जाता है। तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम विंदर पहुंच चुके हैं, जहां हमारा शॉर्ट स्टे है। यहाँ से 20 मिनट बाद हम रवाना होंगे। अच्छा जना, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी विंदर और यहाँ पर हमारा 1.5 घंटे का स्टे। यहाँ से निकलने के बाद हमारा आगे का 2 घंटे का सफ़र है कोन मलिर का, वहाँ से हम लोग निकलेंगे। हमारे पीछे सब गाड़ी खड़ी हुई है और मेरे साथ ये दो लोग मौजूद हैं, साज और उसका भाई है। पहले हमारा ट्रिप था अरेबियन रॉक्स का, वो हमारा हो चुका है, जिसकी वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस बार हम लोग आए हैं हम लोग कोन मलिर, तो इंशाल्लाह जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। अच्छा जहाँ पर विंडर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ बैठे हुए पीछे, जिन्हें आपने हमारे अरेबियन रॉक्स से ट्रिप पर भी देखा था, हमारे कहने पर हमारी मोहब्बत पर दोबारा अगेन आ गए हमारे साथ। इनके बाद हमारा प्लान है मस्जिद आगे का, हमें बताया यहाँ से हम डायरेक्ट पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। मैं यहाँ हमें तकरीबन यहाँ से जो है एटलीस्ट मिनिमम 3 घंटे तो लगेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी ये है कि ये बात हकीकत है कि इन लोगों के बेहद इसरार से मैं आया हूँ और उन लोगों की ये मोहब्बत है। बाकी ये पूरे रास्ते मुझे इंजॉय कराते हुए ले जाएँ, बहुत अच्छी कंपनी दे रहे हैं, तो उससे आगे भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। थैंक यू। तो भाई हमारे साथ आएगा, सफ़र भी आसान मेरे साथ रहेगा, जब वो होगा आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। इस तरह आपने बड़ी मोहब्बत दी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसलिए हम आपकी मोहब्बत की वजह से आसान भाई के साथ यहाँ पे दोबारा आएँ। हमारा शॉर्ट स्टे विंदर पे, तो 1/2 घंटे का हमारा यहाँ पे स्टे, तो हमने सोचा कि हमें चाय वगैरह मंगवा ली जाए, यहाँ बैठे थे टीम और हमारे और भी टीम मेम्बर्स हैं जो हमारे बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तब हम अपना इंजॉय कर रहे हैं। 1/2 घंटा निकालना है तो लोग यहाँ बैठ कर चाय वगैरह पी रहे हैं, इस पर हमें मजीद आ गई है। 1/2 घंटे स्टे के बाद हम विंदर से कोन मलिर की जानिब रवाना हुए, और अब हमारा सफ़र बिल्कुल नॉन स्टॉप है और अब हमारी गाड़ी डायरेक्ट कोन मलिर पे ही रुकेगी। इस वक्त हम 0 पॉइंट पे मौजूद हैं और फ्यूल टैंक फुल करवा रहे हैं, क्योंकि ये इस जगह का लास्ट फ्यूल स्टेशन है। इससे आगे टूवर्ड्स कोन मलिर एक भी फ्यूल स्टेशन मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ से फ्यूल अप करवाना बहुत ज़रूरी है। रात के सफ़र की एक ख़ास बात है, सफ़र जितना भी लंबा हो महसूस नहीं होता। रात की तारीखी में डूबी ये सुनसान सड़कें और नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली और ये ठंडी हवा के झोंके आपको वो सुकून फराहम करती है जिसकी आपको तलाश है। न जाने कैसे ये 5 घंटों का सफ़र गुजर गया, हमें अंदाज़ा ही ना हुआ। तकरीबन सुबह के 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, जिस वक्त घुप अंधेरा था। अगर आप अपने फेस के सामने अगर हाथ भी हिलाते तो आपको वो नज़र नहीं आता, इतना घुप अंधेरा। लेकिन इस घुप अंधेरे के अंदर जिस चीज़ को मेन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो था मिल्की वेज। आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि ये मैंने मिल्की वेज वहाँ पे कैप्चर किए हैं। अब मिल्की वेज होते क्या हैं? देखें, ये सितारे होते हैं जो कि आप अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते। इसके लिए आपको उन मकामात पे जाना पड़ता है जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम है। तो ये कोन मलिर, इसके अलावा जितनी भी बीचेस हैं, ये बिल्कुल शहर से फासले पे हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों की बाकायदा आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और आप इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये जब यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले यहाँ पर हमने कैमरा सेट करा, कैमरा सेट करने के बाद मैंने मिल्की वेज को कैप्चर किया। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा वाकया था कि मैंने मिल्की वेज पहली दफ़ा कैप्चर किए और अपनी आंखों से पहली दफ़ा देखें। आप इन्हें नॉर्मल आई से देखें, ये आपको बहुत ही कम नज़र आते हैं, लेकिन जब आप इसको कैमरे में कैप्चर करते हैं तो ये वो मंजर आपको पेश करता है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी ये मिल्की वेज कैप्चर करने के लिए, हमने कुछ तस्वीरें ली हैं
जो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लैश इसलिए ऑन है क्योंकि इस वक्त काफ़ी खूब अंधेरा है और अभी रात के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं इस वक्त, और तकरीबन हम लोग यहाँ पे मिल्की वे कैप्चर करने आए थे। अभी हम लोग कुछ कैप्चर कर लिए, कुछ हम लोग उसको उन्हें भी आगे करेंगे, उसके बाद जो उसके फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल इमेज होगी। इस वक्त हमारे टूर गाइड अरसलान भाई बॉन फायर के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और मैं तब तक एक बेटर पोजिशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं मिल्की वेज कैप्चर कर सकूँ। अभी जिस किनारे में अपना कैमरा लगाया हुआ है ये वो जगह है जहाँ से कुंड मिलियर का सी व्यू प्रॉपर दिखाई देता है, और जो शॉट्स मैंने वहाँ लिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंड मिलियर पे और इस वक्त सुबह का मंजर है, सनराइज़ होने वाला है और हल्की फुल्की रोशनी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर अपना कैमरा लगाया हुआ है जिसपे हम लोगों ने यहाँ पे भी मिल्की वेज भी कैप्चर की हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हमने कुछ तस्वीरें खींची हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आई थिंक आपको ये पिक्चर्स मैं आपको अटैच कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको देखने में बड़ी आसानी हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पिक्चर्स क्लिक करने के बाद इससे पहले हमने यहाँ पर मिल्की वेज कैप्चर की हैं जो कि यहाँ पर टोटली बिल्कुल आसमान के ऊपर बिल्कुल ईजिली आपको दिखाई दे रहा था। तो इस वक्त मैं भी कुंड मिलियर के व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बॉन फायर भी किया था जिसकी यहाँ पर लकड़ियाँ जलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये अरसलान भाई हमारे साथ हमारे फोटोग्राफर हैं स्कूबा क्लब के जी। बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं कितना पुरसकून माहौल है, सुबह सुबह का वक्त है और कितना हसीन मंजर है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ ये वीडियो मैंने सुबह फजर के बाद रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो में कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट्स का यूज़ मैंने नहीं किया, ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी, जिसमें आप देखेंगे कितना खूबसूरत मंजर है सुबह फजर के वक्त का, और साथ में चिड़ियों की चहचकाहट की जो आवाज़ है और जो समंदर की लहरों का जो साउंड है वो आप इस वीडियो में जब देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंड मिलियर पे और हम लोग यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। हमने सबसे पहले यहाँ पे मिल्की वेज कैप्चर किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टे किया है, सूरज थोड़ा निकल आया ताकि हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकें। तो अभी थोड़ा वेदर थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत रोशनी आ गई है, चलें आपको दिखाते हैं आगे का, आ जाओ। ये आपको नज़र आ रही होगी बॉन फायर, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बॉन फायर किया था, और अभी आपको मैं मेन व्यू पॉइंट भी लेके चलता हूँ जहाँ से आपको ऊपर का सिर्फ टायर नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने अपना कैमरा लगाया था और हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए क्योंकि ये मेन व्यू पॉइंट है यहाँ का जहाँ से आपको सारा नीचे का नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको सारी ये जगहें नज़र आ रही होंगी, अभी हम नीचे भी जाएंगे लेकिन ये अभी वो वक्त है जहाँ पे आप व्यू पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ देर पहले जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे खूब अंधेरा था, फजर से पहले का टाइम था, मिल्की वेज हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किए, तो मैं पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए मिल्की वेज कहते किसे हैं और इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अभी देख सकते हैं काफ़ी सारे टीम मेंबर्स हमारे नीचे की तरफ जा चुके हैं, तो हम लोग भी बस आप सामान रख के अपना नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाकी ये व्यू पॉइंट आप साथ दिखा दो उनको कि कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है ना शोर शराबा नहीं है, पुरसकून बिल्कुल माहौल है और अभी बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आए तो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। इस वक्त सुबह हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे फेस वॉश कर रहे हैं क्योंकि रात का पूरा सफ़र हम लोगों ने यहाँ पे तय किया है, तो हमें थोड़ा फ्रेश होना ज़रूरी था ताकि हम यहाँ पे सही से इन्जॉय भी कर सकें और अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को भी क्लिक करवा सकें। अब फाइनली पूरी रोशनी आ चुकी है और हमने कैमरे भी अपने निकाल लिए स्टैंड से, हम लोगों की पिक्चर्स होंगी अभी, उससे पहले हम थोड़ा बाल बनाएंगे, और अभी थोड़ा सा सूरज निकलना मतलब ये कि नज़र आना शुरू हो गया है वो आपको मैं दिखा दूंगा, अभी डायरेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा मेरे पीछे, तो मैं आपको स्पेशली जूम करके दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा। बाकी हमें मेरे भाई फेस वॉश चाहिए अभी साथ भाई लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगा सत्य ये सारे लुपा पाती है सारा सामान वगैरह है, और बाकी ये वही पानी है जो समंदर का खारा पानी तो ये हमारा अभी सीन है यहाँ का। हम लोग यहाँ पे ग्रुप फोटोज़ खिंचवाएंगे, ग्रुप फोटोज़ खिंचवाने के बाद हमारे नाश्ते का सीन है वो भी इस खूबसूरत जगह के ऊपर। यहाँ पर हमने जो पिक्चर्स क्लिक करवाई वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बार हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा ली हैं, उसके बाद हमारी ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है पीछे हाईएस्ट, इस पर हम लोग जा रहे हैं ज़रा नीचे की तरफ पानी की तरफ नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद हम निकलते हैं आगे। यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम लोग वापसी गाड़ी में बैठ चुके हैं क्योंकि हम लोग अभी कुंड मिलियर के व्यू पॉइंट पर मौजूद थे।
यहाँ से नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है जहाँ पे कुछ होटल्स हैं, जहाँ पे हमारे नाश्ते की अरेंजमेंट्स थी। तो हम लोग वापसी गाड़ी में बैठ के नाश्ता करने के लिए नीचे जा रहे हैं। क्या खूबसूरत हवा है माशाल्लाह। हवा भी कैप्चर कर। नीचे आने के बाद हम सब ने नाश्ता करा। नाश्ते में अंडा, हाफ फ्राई, ऑमलेट, जो आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा पराठा, चना, जो आपको दिल करे वो आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी तकरीबन मौजूद है। जो पीछे आप मेरी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अभी नाश्ता कर लिया है। सिर्फ 2 दिन लोगों जिनका नाश्ता करना बाकी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट पेसिजो कोक्स। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और लग भी नहीं रहा बिल्कुल, कहीं 7 बज रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे खाना वाना खा चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, जो लोग रह गए थे, बाकी हम लोग पहले कर चुके थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। यहाँ पिक्स क्लिक करवाने के बाद जब सब नाश्ता कर चुके थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस ऑफ होप्स। ये रास्ता जो आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे, ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमारा पूरा सफ़र एक तरफ और ये रास्ता एक तरफ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा जरा, हम पहुँच चुके हैं प्रिंसेस ऑफ होप्स पे। फादर असलान भैया, सर बताएंगे ज़रा। ये प्रिंसेस ऑफ होप है, सही है, पुन मलिर के बाद जो है, जो गोल्डन बीच के बाद ये पॉइंट आता है, सही, ठीक है। ये प्रिंसेस ऑफ होप की आप पिक्चर अगर आप दिखा सकें, अगर यहाँ पे जी जी पॉसिबल है, जी बिल्कुल पॉसिबल है, अगर की चोटी पर जाएंगे तो मलिर के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। सही, ये रास्ता है यहाँ से जाने का ऊपर का। यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई, आपको दिखाते चले, हमारी हाईएस्ट है ये, और यहाँ से हम लोग अभी उतरे हैं, यहाँ से मस्जिद जाएंगे अभी ऊपर की जानेब। प्रिंसेस ऑफ होप पहुंचते ही हमने स्टार्टिंग में कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक करवाई, जिसके बाद हम आगे बढ़े। प्रिंसेस ऑफ होप्स है तो बहुत खूबसूरत जगह, जो कि आप अभी देखेंगे, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ इसके ट्रैकिंग डिफिकल्ट भी है। ये सामने जो आप एक स्टैचू देख रहे हैं, इधर हमने जाना है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े पत्थर हैं, जिन पर चढ़कर ऊपर आना काफी मुश्किल है। ये वो जगह थी पीछे
जिसको हम लोग चढ़ के भी ऊपर आए, हालत बुरी हो गई अभी हम लोगों की इस वक्त, मजा नहीं सकता आपको, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेडीज़ तो यहाँ भी नहीं आ सकती बिल्कुल भी, क्योंकि वो हम लोग से नहीं चढ़े जा रहे, उनसे क्या चढ़े जाएंगे। लेकिन ये कि हाइकिंग थोड़ी सी की, पसीने छुटवा दिए, इस हाइकिंग ने मुझे वो मेरा वो ट्रिप याद दिला दिया जब मैं रात कश्मीर गया था और मैंने 11,000 फीट के पहाड़ को जो हाइक किया था एक ही दिन के अंदर, वो ट्रिप मुझे याद आ गया। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था, इसमें अभी शदीद किस्म की गर्मी है, उस वक्त -10 डिग्री टेम्परेचर था, 7 फीट बर्फ़ थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि उसकी कंडीशन में और यहाँ की कंडीशन में काफ़ी फ़र्क था। लेकिन हर जगह का अपना एक मज़ा होता है, ये पहाड़ है, ये खूबसूरती है, बलूचिस्तान अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है। तो टूरिज़्म यहाँ पे भी प्रमोट हो रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी यहाँ पे आए हैं। और अब मैं जिसके लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंसेस ऑफ होप्स, ये देखिए। यहाँ की अगर बात की जाए तो हर पहाड़ एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, और ये एक आइडियल प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए, जहाँ आप शूट के साथ साथ काफ़ी इन्जॉय भी कर सकते हैं। मेरे हाथ में इस पर अभी एक छतरी है, जिसको देख के ये नमूने जो पीछे खड़े हुए ना, ये यहाँ से बोले क्यों लाया है, क्यों लाया है। और अब सारे मेरे हाथ से छीन छीन के पीछे पीछे खड़े हो रहे हैं, अब मैं अकेला साइड पे आ रहा हूँ। ये फ़ायदा होता है, कैप तो सिर्फ आपके फेस को बचा लेगा, ये आपको बचा लेगी आपके हाथों को और गर्दन में काला होने से, जो मैं पहले अरेबियन डॉग्स पे हो चुका हूँ। तो बस ये फ़र्क है कि मैं ये इस बार थोड़ा सा चेंज करा और ये लेकर मैं आ गया। यहाँ पे इस तरह की खाई मौजूद है जो कि कहीं से काफ़ी गहरी तो कहीं से नॉर्मल है। हर एक पहाड़ अपना एक नया लुक दे रहा है, जो कि आप बआसानी वीडियो में देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग प्रिंसेस ऑफ होप से मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो सारे सारे वो पहाड़ हैं, समझ लें कि बिल्कुल खंडर हैं, लेकिन इनमें भी एक अपनी खूबसूरती है इनकी। अगर आप यहाँ पे आएँ तो हर पहाड़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, और ये सीधी सीधी वो जगह लग रही है जो फिल्मों में होता है ना कि आवाज़ खड़े होकर मारते हैं कि किरण आई लव यू, ये वो वाली जगह लग रही है पूरी की पूरी। ऊपर हमने जो पिक्स क्लिक करवाई वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर एक्सप्लोर करने के बाद जब हम नीचे आए तो एक रास्ता पहाड़ के अंदर की जानिब जा रहा था, और आपको तो मालूम है कि मैं ऐसी जगहों को छोड़ता नहीं हूँ, तो बस रास्ता देखते ही कदम ना रोकते हुए मैं और मेरे दोस्त अंदर की जानिब चल पड़े, जहाँ हमने सांप के बिल लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे। हम लोग अभी यहाँ पे आए, ऊपर से हम लोग प्रिंसेस होप से होके आ चुके हैं, अभी नीचे की तरफ हम लोग थोड़ा पहाड़ के अंदर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ से। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग आगे खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा खौफ भी आ रहा है। लेकिन यार जो बात है, यहाँ पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, हर जगह आपको ऐसी लगेगी कि आप बोलोगे यहाँ पिक्चर खिंचवा लूँ मैं। अभी सिर्फ सुबह के 8:30 बज रहे हैं, गर्मी से आप हमारी हालत देख रहे हैं क्या हो रही है, क्योंकि इस वक्त भाई कराची में जब गर्मी पड़ती है ना, तो ऐसी बात है बलूचिस्तान है ये, और खुला इलाका है, गर्मी तबीयत वाली पड़ती है यहाँ पर। हम लोग अभी पिघल रहे हैं सही वाले, लेकिन खैर मैं छतरी लेकर आया हूँ तो उसमें कोई ना कोई आसरा है, लेकिन यहाँ हवा भी बिल्कुल बंद है। तो बस ये कि ट्रिप का अपना मज़ा होता है हर चीज़ का, जब जाएंगे कराची तो दोबारा ये वीडियोस देखेंगे तो फिर एंजॉय करेंगे। तो बस ये सीन है, अभी हम लोग इस जगह में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर ज़रा मैं तस्वीर खिंचवा सकूँ। ऊपर हमने खिंचवा ली, ये नीचे की जगह रह गई थी, ये कवर करके इंशाल्लाह फिर हम बस में बैठेंगे, अपनी जो हाईएस्ट उस पर बैठेंगे, फिर हम चले जाएंगे आगे की तरफ, डायरेक्ट घर नहीं, अभी जाएंगे गोल्डन बीच। यहाँ मैंने जो पिक्स क्लिक करवाई वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी दोपहर के 2 बजे वाली महसूस हो रही है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और इधर पेड़ पौधे ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। काले तो तबीयत वाले हो गए हम लोग, लेकिन खैर है यार, इस जगह के भी अपना एडवेंचर है भाई। अब जो पहाड़ में रास्ते में देखे हैं, वो पहाड़ वो 10 मिनट का पहाड़ एक तरफ, पूरा सफर एक तरफ। वो जो बीच पे वो जो आए था ना, वो उल्टा पे जो आए थे, जो दरिया के समंदर के जो पास था वो पहाड़ टाइट थे। ये सांप का होगा बिल का, इन जगह पे तो होंगे यार, वो जो आवाज आ रही थी ना वो थी कुछ ना कुछ। अबे वो सांप की थी भाई, उसके एक सांप होता है, उसकी ना उसकी दूम पे ना एक वो होता है, कोबरा होता है, नहीं कोबरा नहीं होता, कोबरा नहीं होता वो, नहीं नहीं कोबरा नहीं होता, दूसरा होता है वो, उसकी धूम के ऊपर एक वाइट कलर का निशान होता है, वो हिलाता है, धूम हिलाता है वो, उसकी आवाज आती है वो। वो जो आवाज आ रही थी हमें,
लेकिन आवाज़ को हमने गौर किया, पहाड़ों के बिल्कुल अंदर सुरंग टाइप के अंदर बनी हुई थी, उसके अंदर जाके कहीं से आ रही थी। यहाँ से निकलते ही हम अपनी गाड़ी में जा बैठे और गोल्डन बीच की जानिब चल पड़े। अच्छा सर, हम लोग पहुँच चुके हैं गोल्डन बीच। आपने आज से पहले सहरा, समंदर और पहाड़ एक साथ नहीं देखे होंगे, और आज इस जगह पे मैं आपको तीनों जगहें एक साथ दिखाऊंगा, तीनों चीज़ें एक साथ दिखाऊंगा। नहीं यकीन आ रहा, देख लीजिए। सहरा, समंदर और ये पहाड़, तीनों एक साथ। यहाँ हर एक पहाड़ एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ये जगह जितनी खूबसूरत आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ये उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत जगह हो और मैं अपना कैमरा रोक दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ भी मैंने खूब पिक्चर्स क्लिक करवाई, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट स्टे के बाद हम अगेन अपनी गाड़ी में बैठ गए। गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा मुझे पहले ही था, क्योंकि मैं वेदर अपडेट्स लेकर आया था, इसलिए मैंने कैब, छतरी और एक टैंक अपने साथ रख लिया था, ताकि रास्ते में ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम लोग कुंड मंदिर पहुंच चुके थे। इस वक्त सब ने यहाँ पे चेंज करा, चेंज करने के बाद सब ने अपने इक्विपमेंट्स गाड़ी में रखे और हम लोग नहाने के लिए बीच पर चले गए। इस गर्मी में समंदर का ठंडा पानी इतना सुकून दे रहा था कि यहाँ 3 घंटे पानी में गुजर गए और हमें बिल्कुल भी आइडिया ही ना हुआ। इस वक्त हम लोग कुंड मंदिर से थोड़ा फ्रेश होकर बाहर निकले और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 12:30, और इस वक्त हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद हम लोग मस्जिद आगे निकलेंगे। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जो हमारे हर्ट्स थे वो बीच से काफ़ी फासले पे थे, तो अगर मोबाइल्स लेके हम वहाँ जाते, पूरे इक्विपमेंट्स लेके वहाँ जाते, फिर वहाँ रिकॉर्ड करके फिर वापसी आते, फिर अगेन जाते, इससे हमारा बहुत टाइम जाता। इसलिए जो मेन चीज़ें जो थी वो मैंने हाईलाइट करके व्लॉग के अंदर इंक्लूड कर दी हैं। इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके थे और हमारे लंच का टाइम हो चुका था। लंच में हमारे लिए कोयला कढ़ाई थी और साथ में गर्मा गर्म नान थे। अच्छा जी, हम लोग अभी लंच करके निकले हैं। यार क्या नस्ली किस्म की कढ़ाई उन्होंने खिलाई है ना, दिल खुश कर दिया। हम लोग यहाँ पे आए थे अभी कोयटा कुंड मंदिर रेस्टोरेंट में, हमने सुबह का नाश्ता भी यहाँ पे किया था और लंच भी किया था, लेकिन जो लंच ने जो बाजी मारी ना इस बार, मज़ा आ गया। चिकन कढ़ाई थी और वो कोयले पर कढ़ाई भी थी, और भूख ऐसी टायर्ड लग रही थी क्योंकि पानी से हम लोग बाहर निकले थे और खूब हम लोग आज घूमे, 3 घंटे नहाए पानी के अंदर लगातार। उसके बाद जाके हम लोगों ने अब लंच करा है, यार क्या नेक्स्ट लेवल का खाना था, मज़ा आ गया। और साथ में जो पतले वाले नान होते हैं ना, तो स्पेशली ये लोग बनाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनाता। हमारे यहाँ शहरों में मिलते हैं मोटे वाले नान, इनके वो पतले वाले नान, यार दिल खुश हो गया। सफ़र की थकान एक तरफ और इस लंच ने जो हमें एक बूस्ट दिया है ना, वो चीज़ अलग है, एनर्जी आ गई बिल्कुल। लंच करते ही यहाँ पर सबकी थकान ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इतनी दूर जगह पर अगर आपको इतना अच्छा खाना मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। क्योंकि हमने इस चीज़ को बड़ा नोटिस किया है कि जितने भी पिकनिक पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे फूड क्वालिटी का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पे आपको खाने के मामले में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन नज़र आते हैं, लेकिन इस जगह पर इस मैार का खाना मिलना हमारे लिए काफ़ी हैरान कन बात थी। लंच करने के बाद हमारा सफ़र अख्ताम पे था। हम सब गाड़ी में बैठ कर रेत के तूफान से गुजरते हुए वापसी की जानिब रवाना है। ये सफ़र इतना आरामदेह और पुरसकून होने के साथ साथ इतना खूबसूरत था कि कैसे हमारा टाइम यहाँ गुजर गया हमें अंदाज़ा ही ना होगा। ज़िंदगी में जब भी मौका मिले अपने प्यारों के साथ सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि आपका खर्च हुआ पैसा वापस तो आ जाएगा, लेकिन अपनों के साथ गुजारे हुए पल आप कभी नहीं खरीद सकते। क्या खूब कहा है किसी ने, शहर में छोड़ दी थक अंसारी, रुख पहाड़ों की सिमत मोड़ लिया, दौड़ के रास्ता मशीनों से, रास्ता जंगलों से जोड़ लिया, भीड़ में रास्ता बनाते हो, धीमे लहजे में गुनगुनाते हो, बागबा की तरफ, गुलों की तरफ, काले धुओं से खुशबुओं की तरफ, आज फिर एक छोटी सर करेंगे, आज फिर से एक नया सफ़र करेंगे, आज जंगल में शाम गुजरेगी, रात तारों के नाम गुजरेगी, सवाल पैदा होता है क्यों, और क्यों का जवाब है मेरी ये कहानी।
मैं आपको एक बार बताना चलूँ कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप इन जगहों को विजिट करना चाहते हैं तो कम बजट के अंदर किस तरह से विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया जिससे मैं अरेबियन डॉग्स किया था स्कूबा क्लब के साथ, जहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, आज मैं आया हूँ कुनमलेर। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर की जो आपने वीडियो में देखी होंगी। अगर आप इन जगहों को विजिट करना चाहते हैं काफ़ी कम बजट के साथ तो आप स्कूबा क्लब के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। पर पर्सन चार्जेस ओनली 3000 रुपीज़ हैं, जिसके अंदर आपका एसी ट्रांसपोर्ट, आपका सुबह का नाश्ता, आपका दोपहर का खाना, लाइफ गार्ड, लाइफ जैकेट्स, इसके अलावा आपकी फोटोग्राफी, ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर आपकी 3000 रुपीज़ के अंदर इंक्लूड है। यहाँ फैमिली के साथ आना चाहें आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आना चाहें फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, और अगर सोलो भी ट्रैवल करना चाहें आप ये इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी स्कूबा क्लब के साथ इन जगहों को विजिट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टॉप पे एक लिंक मिलेगी जिस पे आप क्लिक करके इनके पेज को विजिट करके अपना टूर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। मेरा नाम है मुजफ्फर आरिफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।